उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरकारी स्कूल और रास्ते पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण करने की शिकायत पर पैमाइश करने गए बिलारी तहसील के लेखपाल फहीम को कब्जा कर रहे दबंगों ने बुरी तरह से पिटाई कर डाली। लेखपाल के पैमाइश करने आने से नाराज दबंगों ने लेखपाल को पहले तो मारपीट की, फिर उसका मोबाइल फ़ोन भी तोड़ दिया। लेकिन जब इससे भी दबंगों का मन नहीं भरा तो लेखपाल के पास मौजूद सरकारी दस्तावेज एवं पत्रावलियों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। किसी तरह फहीम ने अपनी जान बचाई और वहाँ से निकल थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने तीन नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिख घायल लेखपाल का मेडिकल कराया। साथ ही एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सर, मैनाठेर थाना क्षेत्र में एक लेखपाल को जो दबंगों ने पीटने का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है, क्या इसमें कार्रवाई है? देखिए, इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए। शीघ्र गिरफ्तारी कर इनके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इनके द्वारा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाई गई है। क्या बताया गया लेखपाल की तरफ से, क्या करने के लिए? वो पैमाइश करने के लिए गए थे, इसी पर विवाद करके उन लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार की गई। इस संबंध में कार्रवाई प्रचलित है। वो ये था कि डेंगरपुर की जो है एक शिकायत आई थी आबिद हुसैन वगैरह के खिलाफ कि सरकारी स्कूल के पास जो उनका घर है, सरकारी स्कूल की जमीन थी कन्या जूनियर हाई स्कूल, उसके पास बोले शिकायत ये थी कि इन लोगों ने जो कब्जा किया है, छज्जा निकाल के कब्जा कर रहे हैं ये। तो मैं जो है, मेरे पास शिकायत आई थी, तो शिकायत के संबंध में मैं जाँच करने के लिए डेंगरपुर स्कूल पर पहुँचा, कन्या जूनियर हाई स्कूल। वहाँ पर उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई, तो उसके बाद जो है वो बदतमीजी करने लगे। नाम है उसका नाजिम और आबिद हुसैन और एक अरशद, तीन तो ये हैं, बाकी अज्ञात थे। उसके बाद जो है वो लोग मुझसे जो है बदतमीजी करने लगे, मारपीट भी हुई। उसके बाद जो है वो मुझको पकड़ा के घर के अंदर ले जाने के बाद जो है अपने घर के लोगों को इकट्ठा कर लिया। सरकारी अभिलेख खसरा को जो है फाड़ा इन लोगों ने, और मेरा मोबाइल जो है तोड़ दिया गया है। मोबाइल स्क्रीन ऑन होता है।